नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एकदम बेसिक समझ लीजिए एक टॉपिक है कि हम अपने प्लांट्स के लिए, मोस्टली ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए मिट्टी में कैसे तैयार करती हूँ। तो देखिए, किसी भी प्लांट की हेल्थ के लिए उसकी मिट्टी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मिट्टी बहुत अच्छी होती है ना, तो हमें बार बार फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 जैसे हम गार्डनिंग जब करते जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, हमारे पास जो है प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे जो गमले होते हैं ना उनकी पुरानी मिट्टी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको जब भी ज़्यादातर इधर बीच जितने भी मैं आपको ने रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने दिखाया है उन सब में ज़्यादातर यही रहा है कि मैंने पुराने गमले की जो मिट्टी है उसको ही चेंज किया और उसमें ही अपना और चीज़ें खाद वाद मिक्स करके आज आप बता दिया। मतलब कई बार ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, लेकिन आज जो वीडियो बना रही हूँ ना उसमें बिल्कुल नई मिट्टी है और उसमें मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मिलाने वाली हूँ वो आपको आज दिखाऊंगी। तो देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर प्लांट की मिट्टी सबकी एक ही समान होती है, बस ये होता है सकुलेंट्स की होती है वो थोड़ी अलग रहती है। और एक चीज़ मैं और अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा करती हूँ, जैसे कि बड़े बड़े जब गमले भरती हूँ तो उसमें नीचे अपने गार्डन का कूड़ा कचरा ये सब भी भर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत तरीके में से मैं इस तरीके से अपने गार्डनिंग करती हूँ, काफ़ी सारे तरीके मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, मतलब पॉट्स के लिए मिट्टी तैयार करने में। तो आज चलिए, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है, मतलब इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं है। ये मिट्टी जो है ये मेरे एरिया की मिट्टी है, ये बिल्कुल इसमें जैसे होती है ना हमारे आसपास खुदाई हो रही होती है कहीं कुछ है, या घर हमारा जैसे मेरा भी अपने यहाँ जब वो हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मैंने भी काफ़ी सारी मिट्टी रख ली थी। तो इस तरीके से जो मिट्टी होती है जो हमारे एरिया की होती है, जिसको हम बोलते हैं कि गार्डन सॉयल, गार्डन सॉयल तो ये नहीं है, बस ये हमारे एरिया की है। तो उसमें देखिए थोड़े बहुत ना इस टाइप के कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ें भी होती हैं। हालांकि जब मैं अडेनियम की रिपोर्टिंग करती हूँ ना तब ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अब इसको मैं अभी हटा रही हूँ, मैंने अभी जो ग्रो बैग ख़रीदा है ना तो उसके लिए मैं मिट्टी थोड़ा सा बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको थोड़ा बहुत अब छान भी सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चीज़ मोटा पत्थर नहीं लग रहा है कि जिसको मैं छानूँ या कुछ करूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हो गई, तो एक पार्ट हमारी ये मिट्टी हो गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे निकाल दे रही हूँ। और इसमें देखिए ये बहुत चिक वैसी नहीं लग रही है, ये अच्छी खासी भुरभुरी सी है। तो इसमें इतना ज़्यादा सैंड मैं नहीं डालूँगी, जैसे कि ये जितना है ना उसी के मतलब आधा जितना, मतलब ये वाला मैंने लिया है ना तो इसी का आधा मैं सैंड इसमें यूज़ कर लूँगी। ये देखिए ये मतलब मोरंग है, ये भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, तो ये वाली बहुत अच्छी रहती है। इसमें पानी क्या होता है ना कि ठहरता नहीं है, जितना भी हम जो भी पानी मतलब एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हो जाता है, निकल जाता है, मतलब ड्रेन आउट हो जाता है। और इसको डाल लिया, इसमें हम डाल सकते हैं ये देखिए, ये अभी मैंने वीडियो बनाया था ना आपको बताया भी था कि खाद कैसे तैयार होती है, तो ये अच्छे तरीके से मेरी तैयार हो गई है। तो इसको मैं डालूँगी अब, इसको अब यूज़ कर लूँगी, हो गई है मतलब ये यूज़ करने वाली हो गई है। तो किचन वेस्ट भी है ये देखिए, क्योंकि इसको हम पहचानते ऐसे हैं कि खाद तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल बदबू नहीं आती है, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू जैसे मिट्टी की होती है ना वो आती है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा इतना भर लिया है जितनी मिट्टी ली है। तो इसको ये देखिए आप, इसी में मैं मिला ले रही हूँ खाद। तो जितनी मिट्टी मैंने ली है और उतनी ही हमारी खाद हो गई, और ये मेरी घर की बनी हुई कंपोस्ट है ना, तो इसको आप जैसा बाहर से भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट अगर लेंगे तो आपको कम लेना पड़ेगा, मतलब आधे में ही काम चल जाएगा जितना हमने सैंड लिया था। ठीक है, अब सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और तो ये देखिए सब मिक्स हो गया है, और अब इसमें हम डाल सकते हैं एक मुट्ठी नीम खली है ये। तो ये जो है ना ये नेचुरल बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का भी काम करेगी, फंगस वंगस नहीं लगने देगी। और इसमें ना मैं कोकोपीट नहीं डालती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे भी धुला हुआ कोकोपीट है, रखा हुआ था थोड़ा सा रखा था
तो मैंने, चलिए इसको डाल देते हैं, पर ऐसे कोई खास मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि कोकोपीट क्या करता है ना, जो इससे छत पे हम प्लांट रखते हैं, कोकोपीट का यूज़ बहुत सारा होता है, कटिंग के लिए, सीड के लिए, सबके लिए होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जो है पानी आनी, जब बहुत बारिश होती है ना, तो ये पानी उसको होल्ड कर लेता है, पानी को ना होल्ड करके रखता है। तो इसलिए मुझे दो बात है ना, या तो आप जो है बरसात में फिर यहाँ वहाँ बचाते फिरो, फिर इसीलिए मेरे प्लांट हमेशा से हेल्दी रहते हैं और बाहर ही रखे रहते हैं, कोई भी इधर उधर मैं अडेने वडेने कुछ नहीं करती हूँ, हटाती नहीं हूँ। और जो इसके अलावा बस एक फ़ायदा रहता है कि गर्मी में मान लो हम पानी नहीं दे पाए, तो भाई थोड़ा सा जल्दी से सूखेगा नहीं, यही है बस, और कुछ नहीं है ऐसा खास। तो आप चाहें तो ये आपके ऊपर है कि आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा मतलब आप समझिए इतना बड़ा ही एक ऐसे भर करके, जैसे मैंने सैंड मतलब मान लीजिए आधा लिया था ना सैंड, तो आधा ही आप इसमें कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उतना नहीं करती हूँ। तो अब इसके बाद अब क्या करूँगी, बस और कुछ नहीं डालती हूँ मैं। जब कभी कुछ ऐसा लगाना होता है तो सीवीड, चलिए वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से एकदम दाने हैं, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो ये मिट्टी में जैसे किसी प्रकार की कमी होती है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो उसको ये पूरा करता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये बस इतनी सी चीज़ें हैं, कई बार जैसे राख होती है मेरे पास, तो एक दो चम्मच राख मैं इसमें डाल देती हूँ, अभी नहीं है मेरे पास वो डैश या उपले की कंडे की राख, तो वो दे देती हूँ। और ये देखिए दोनों का कलर कैसे चेंज हो गया, ये जो अभी मिट्टी में अपने एरिया की बता रही थी वो, और ये हमारी अपने हो गई। तो अब यही क्या होगा, धीरे धीरे साल दर साल जैसे जैसे इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बाद में फिर जब पुरानी होगी फिर उसमें खाद मिलाएंगे, फिर और मिलाएंगे, मिलाते मिलाते इसका कलर ही बिल्कुल जो हमारे घर की मिट्टी हो जाती है, तो वो फिर ब्लैक ब्लैक ही कलर की हो जाती है। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ ना, पहले तो आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए ग्रो बैग्स में मैंने होल कर दिए, इसमें होल थे नहीं, सिर्फ एक सिंगल एक छोटा सा होल साइड में था, तो मैंने ये बहुत सारे यहाँ पे होल कर दिए हैं। यहाँ पे पूरी मिट्टी नहीं भरूंगी, यहाँ पहले मैं थोड़े से गमले के टुकड़े पत्थर के वो सब रखूंगी, उसके ऊपर सूखी पत्तियाँ पूरा बिछाऊंगी, ढेर सारी सूखी पत्तियाँ रखूंगी, उसके बाद जो अभी मिट्टी तैयार की है वो रखूंगी। इसके अलावा ना जैसे मान लीजिए कंपोस्ट आपके पास घर वाली नहीं हो, तो पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो वो भी आप डाल सकते हो, बहुत अच्छी रहती है जब हम मिट्टी तैयार करते रहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट भी उसके साथ आप ऐड कर सकते हो। तो बस यही सिंपल सी मेरी गार्डनिंग रहती है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए दोस्तों चमेली में भी ग्रोथ शुरू हो गई, बल्कि सभी जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं ना, ये सब नई पत्तियां हैं, मैंने प्रूनिंग पहले कर दी थी, तो ये सब में ग्रोथ हो रही है, जितने भी सब परमानेंट प्लांट हैं सब में खाद देना है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।